ईद वाले दिन अद्धे पाकिस्तान का यही रोला होता है जब हाउसमेट घर आके कहता है शुमाइला गोश्त नू हले टाइम है तो फटाफट कलेजी बना भुख बड़ी लगी और शुमाइला सोच में पड़ जाती है कि हुन मैं की करा। टेंशन नहीं लेनी इंशाल्लाह मैं आपके लिए बड़ी परफेक्ट मसाला कलेजी की रेसिपी लेकर आया हूँ। बनाना तो दूर, इस वीडियो को देख के ही आपको चस आ जाएगी। बिल्कुल भी हमारी कलेजी में स्मेल नहीं होगी और ना ही ये कच्ची होगी, अंदर तक टेंडर्ड और जूसी कलेजी। किस तरह से बनाते हैं फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो फिर सबसे पहले एक कप दही जो है आपने इस तरह से बाउल में शामिल कर लेना है और उसके अंदर शामिल करेंगे हम चस्के, जिसमें सबसे पहले हमने डाल दिया जी सूखे धनिया का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी चली जाएगी, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दें और 1 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे। ठीक हो गया जी, ज्यादा स्पाइसेस ऐड करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको आपने इस तरह से अच्छे तरीके के साथ आपने ना मिक्स कर लेना। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे कलर हमारे लग रहे हैं। मिक्स करते करते जब ये वाला कलर आ जाएगा इसका मतलब ये हमारा रेडी हो गया। यहाँ पे हमने आधा किलो कलेजी ले लिया, उसको धो लिया और उसको इस तरह से इसके अंदर शामिल कर देंगे। ठीक हो गया जी। चलिए जी, कलेजी को इस बैटर के अंदर इस तरह से डुबो देंगे। अच्छा, ये हमने मटन की कलेजी ली है आधा किलो। ठीक है, अगर आप चाहे बीफ और मुर्गी की भी अगर कलेजी कभी बनाना चाहे ना तो इसी मेथड के थ्रू आप बना सकते हैं। चलिए जी, ये कलेजी हमारी रेडी हो गई है, इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, फ्रिज में रख देंगे तो ज्यादा बेहतर है। अब चलते हैं प्रोग्राम के बाकी हिस्से की जानिब। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली और उसमें डाल दिया 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा यहाँ पे हमने मसाले शामिल करने, जिसमें दालचीनी है, बड़ी इलायची है, काले मिर्च और जीरा है, वो शामिल कर देंगे इसमें। चलिए जी, मसाले शामिल करने के बाद यहाँ पे मैंने धनिया और हरी मिर्चों को कूट के ना एक पेस्ट सा बना लिया। तो ये वाला पेस्ट तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून आपने इसमें शामिल कर देना। ठीक है, और शुका शाकी होगी, इससे आपने बिल्कुल नहीं परेशान होना। इसमें हल्का सा चम्मच चलाएं, इसकी सारी शुका शाकी खत्म हो जाएगी, लेकिन हरी मिर्चों का जो टेस्ट है ना वो हमारे ऑयल के अंदर आ जाएगा, वही चीज हमें चाहिए। यहाँ पे हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबल स्पून। चलिए जी, उसके बाद शामिल करेंगे प्याज का पेस्ट। एक बड़े साइज का प्याज लेना है, उसको काट के आपने ब्लेंडर में डाल के ना उसका पेस्ट बना लेना है और वो यहाँ पे इसमें शामिल कर दें। उसके बाद हमने इसी तरह से आपने एक बड़े साइज का टमाटर का भी पेस्ट बना लेना है, वो भी आपने इस तरह से इसमें शामिल कर देना है। देखिए, प्याज और टमाटर जो है वो काट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर हमारी ग्रेवी जो है वो बड़ी मजेदार, वो नरम नरम रेशमी रेशमी मलाई वाली ग्रेवी नहीं बनेगी। उसके लिए हमें पेस्ट ही बना के इसमें शामिल करना है और ये बहुत जल्दी बन जाने वाली चीज है। हरी मिर्चों ने पहले ही ऑयल के अंदर अपना जायका छोड़ दिया, ऊपर से ये वाले पेस्ट चले जाएंगे तो बेहतरीन हो जाएगा। यहाँ पे आपने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए ना पकने देना है। ठीक है, जब इस तरह से ये देखिए ऑयल जो है मसाले से अलग होना शुरू हो जाएगा ना, आपको अलग नजर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जो बैटर हमने मैरिनेशन के लिए रखा था ना वो ला के आपने इसके अंदर शामिल कर देना। ठीक हो गया जी, इंशाल्लाह हमारी कलेजी के अंदर तक जायका होगा, अच्छे तरीके के साथ मैरिनेट हो चुकी है, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी बनेगी। हाउस बैंड जब खाएगा ना इंशाल्लाह तारीफों के पुल बांध देगा, कहेगा शुमाला तू ते कमाल कर देता। तो इस बैटर को आपने मसाले के साथ इस तरह से मिक्स कर देना, थोड़ी देर चम्मच चलाए उसको छोड़ दें। ठीक है, अब इसको पकते हुए यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए इसके अंदर हल्के हल्के बबल्स आना शुरू हो गए और ऑयल जो है सेपरेट होना शुरू हो गया। इस पॉइंट के ऊपर आपने इसके ऊपर लगा देना ढक्कन और इसकी आग को कर देना है स्लो और इसको पकने देना। ठीक हो गया। तो जनाब, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिलता है या फिर आप मेरी वीडियो को एंजॉय करते हैं तो फिर फूड फिक्शन भाई अवैस यार को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते यार। आपके एक क्लिक से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे हिम्मत मिलती है आपके लिए मजीद नई नई अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की। चलिए जी, यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट हो गए हमारी कलेजी को पकते हुए, ढक्कन उठा के देखेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कलेजी हमारी काफी अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे गल चुकी है और बड़ी अच्छी इसकी ग्रेवी तैयार हो गई है। ग्रेवी हमने ऐसी रखनी है जिसके साथ रोटी या नान खाया जा सके। बिल्कुल खुश्क खुश्क कलेजी हमने बिल्कुल नहीं बनानी, साथ बड़ी मजेदार रेशमी रेशमी मुलायम सी हमने ग्रेवी भी बनानी है। ठीक हो गया, और यही चीज हमें चाहिए थी। चलिए जी, इस पॉइंट के ऊपर आपने गरम मसाला शामिल करना। ये सारे मसाले जो मैंने पहले भी शामिल किए थे और ये जो अब मैं गरम मसाला शामिल कर रहा हूँ इसकी भी रेसिपी वीडियो मेरे YouTube चैनल पे मौजूद है, वो वीडियो आप जरूर देखें और वो मसाले बना के अभी रख लें। और फिर जब भी आप गोश्त रेसिपीज बनाएं ये वाले मसाले इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी रेसिपीज को 4 चांद लग जाएंगे। ठीक हो गया जी, यहाँ पे लंबा लंबा कटा हुआ अदरक शामिल कर दें, इस तरह से कटी हुई प्यारी प्यारी इसमें हरी मिर्चें और हर धनिए के साथ इसको गार्निश कर लें। इन चीजों को यहाँ पे हल्का सा मिक्स करेंगे और चूल्हे को कर देंगे बंद। क्यों आ गया ना आपके मुंह में पानी, इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पे निवाला लगा के दिखाऊंगा। बहुत ही मजेदार टेंडर्ड और जूसी ग्रेवी हमारी तैयार है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और इतने यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। और इसके साथ साथ मैं आपको याद दिलाता चलूं कि इस बकरा ईद पे आपने अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खास ख्याल रखना है। कैसे लगी आपको मेरी कलेजी की मलाईदार रेसिपी मुझे आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। मैं आपके कमेंट्स का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे अगले एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ, तब तक आपने मुझे दुआ में जरूर याद रखना है और मेरा इंतजार करना है। अल्लाह हाफिज़।